बेकसूर बेवजह उनको पकड़ा, सड़क पे खड़े खाली हाथ उनको लेकर गए, बल्कि इनको इस चीज़ का हिसाब देना चाहिए कि उन्होंने उनको किस वजह से इतने दिन जेल में रखा। इसका तो बल्कि हम हिसाब लेना चाहते हैं कि किस वजह से उन्होंने इनको इतनी तकलीफ दी। मैडम ये भी बताइएगा, अभी आप यहाँ पे पहुँचे हैं, अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि उनको कोई अपहरण का केस भी है उनके ऊपर, आपके कोई नहीं? वो जितने केस बनाएंगे सब झूठे हैं, कोई केस नहीं होगा, इंशाल्लाह वो लाहौर जा रही है। अभी आप यहाँ से लाहौर जाएंगे इस्लामाबाद? लाहौर जाएंगे। तो कल आपकी मुलाकात भी है इमरान खान साहब से? कल नहीं है, कहते उन्होंने खत्म कर। अच्छा, कल आप उनसे नहीं मिलने जा रही? तो चलें ये देख सकते हैं जी। जी मैडम, रोबकार आप ले आएंगे? वो ला रहे हैं अभी तक रोबकार लेके। इतनी लेट क्यों किया गया, वजह क्या है? रोबकार ने लेट किया, अडियाला से लेट हुई। अच्छा, अडियाला से आप पैसे पहले आपको 2-3 घंटे उधर अदालत में बिठाया, हम भी मौजूद थे, फिर आपको अडियाला में जो है ना इतना, क्या वजह है इतनी लेट क्यों कर रही? बस ये इनका तरीका है तंग करने का। हाँ तो यार, तो जी उनका तरीका है। अच्छा, ये उनका पुराना जी, इस वक्त आप देख सकते हैं इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी साहिबा इस वक्त पहुंची हैं जेल के बाहर और इस वक्त रवाना हो रही है, जेल के अंदर जा रही है ये गाड़ी। ये आप देख सकते हैं इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी इस वक्त जो है जेल की हदूद के अंदर दाखिल हो रही है। कुछ ही देर बाद रुफकार जैसे ही जमा कराया जाता है जेल से, उनकी जो है रिहाई की जाएगी। आप देख सकते हैं मनासर इस वक्त जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त नौरीन नियाज़ी साहब कुछ ही देर में जिनकी गाड़ी इस वक्त जेल के अंदर इंटर की जा रही है। यह मनासर देख सकते हैं, ये आपसे मनासर देख सकते हैं, मनासर कुछ ही देर बाद यहाँ से रुफकार जमा होने के बाद अलीमा खानम और डॉक्टर रोजमा खानम को रिहा कर दिया जाएगा। ये इस वक्त मनाजिर आप देख सकते हैं जो है, ये बराह रास्त मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं अब स्क्रीन पर। कुछ ही देर बाद जो है डॉक्टर उस्मा और अलीमा खानों को इस जेल इस गेट से रिहा कर दिया जाएगा, और वो यहाँ से जैसे कि नौरीन नियाज़ी ने कहा है बात करते हुए कि उनको रिहा करके यहाँ से वो लाहौर रवाना होंगे। ये मनाजिर हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल है जी, जेल के बाहर के ये मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त ये जेल के बाहर के ये मनाजिर हैं। कुछ ही देर में इस वक्त जो है मनाजिर आप देख सकते हैं, काफ़ी तादाद में कारकुनान भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, पुलिस भी पहुँची हुई है, पुलिस की गाड़ियाँ भी यहाँ पे पहुँची हुई हैं, और कुछ ही देर बाद जो है यहाँ से दोबारा काफी मनाजिर हैं। कुछ लोग गिफ्ट लेकर आए हैं अलीमा खान के लिए, और ये आपको दिखाएंगे, ये देखें जी, ये देखें अलीमा खान के लिए तस्वीर उठा के, जो पाबंद सलासर रहने में के दौरान जो उन्होंने तस्वीर जो है मंदिर यहाँ पर आई हैं वो तस्वीर लेकर ले आए हैं। कुछ गुलाब पहुँचे हैं, खवातीन पहुँची हैं, और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये इस वक्त मनाजिर हैं, खवातीन पहुँची हुई हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जी, ये देखें जी, इस वक्त करी थी ना कोई नारेबाजी करी थी ना कोई इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करी थी, वो दो खवातीन खड़ी थी जिन पर कोई भी कानून लागू नहीं होता, इन्होंने उनके ऊपर दहशत गर्दी भी लगाई और गैर कानूनी मुकदमे भी बनाए और इनको गिरफ्तार किया। ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि अडियाला से वो उनको यहाँ पर ले आए जेल में। ये पहले भी गैर कानूनी गिरफ्तारी थी, अब अगर उनको रिहाई दी गई है तो मैं समझती हूँ कि उनको थोड़ा बहुत कानून का ख्याल आ गया और कानूनन ही इनकी जमानतें हुई हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि एक अपहरण का केस है उसमें अलीमा खानम साहिबा नामजद हैं जी, जी, क्या यहाँ से उनको दोबारा आप भी उसमें हैं तो ये बताएं कि क्या उनको दोबारा यहाँ से गिरफ्तार करने की कोशिश तो नहीं की जाएगी? देखें जी, ये तो माशाल्लाह इन कामों में माहिर है, हो गई बेल उनकी हो गई है, सबकी बेल्स हो गई हैं, तमाम केसेस में बेल्स हो गई हैं, लेकिन ये अगर हमारे लीडर पे 225 मुकदमे बना सकते हैं बगैर वजह के, तो ये तो एक या 2-3 केसेस की बात है। मेरा ख्याल है कि अगर ये चाहेंगे तो बना देंगे, जो चाहे आपका उसने करिश्मा सास करे, हम क्या कह सकते हैं जी, क्या कहेंगी मैडम? देखिए, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आती, आप लोगों को भी नहीं आती होगी कि एक ही शख्स एक ही मौके पे 3 डिफरेंट लोकेशंस पे कैसे हो सकता है। अगर उनको अगर डी चौक से अरेस्ट किया गया तो वो आपारा में सेम टाइम पे कैसे हो सकती है? ये तो कोई उनसे पूछे, आप लोग क्वेश्चन किया करें ना उनसे कि आप लोग केसेस डाल रहे हैं लेकिन एक ही शख्सियत 3 जगह पे एक टाइम पे कैसे हो सकती जी, है? तो ये बस सूरत हाल है। ये इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं, लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं और लाइक ऐसे फील हो रहा है कि जैसे पीटीआई का जो मुश्किल दौर था जब वर्कर निकलने के लिए डरता था, आज वो चीज़ ख़त्म हो गई। ये मनाजिर हैं जेल के बाहर के, ये मनाजिर हैं आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स जो है पहुँच गए हैं जेल के बाहर, और लगातार जो है मुख्तलिफ एरिया से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आपको वो ये मनाजिर दिखा रहे हैं इस वक्त जेल के बाहर के ये मनाजिर हैं, और ये इस वक्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त ये मनाजिर आपको हम लोग दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त वर्कर्स मौजूद हैं। अलीमा खानम और डॉक्टर उस्मा की कुछ ही देर बाद यहाँ से रिहाई होगी,
रही के मनाजर भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ भी पहुँचा दी गई हैं, देखते हैं अब रिहाई अमलन होती है या रिहाई होने के बाद दोबारा जो है गिरफ्तारी अमल में ले जा सकती है। कुछ ही देर बाद आपको ये मनाजर दिखाएंगे, ये देख सकते हैं आप। कारकुनान जो है मेन जो है रास्ते से यहाँ पे एंटर हो रहे हैं और रास्ते में गेट पे उनको रोका गया है, देखते हैं क्या सूरत हाल है, आपको मनाजर दिखाएंगे। ये सुखद मनाजर हैं, रास्ते पर दरवाजे पर रोका गया है,